स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जानते हैं देश के सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम काल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां पे बारिश होने वाली है और कहां पे आंधी तूफान को लेकर और भारी सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के मौसम काल। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपके जिले के मौसम काल। आपको बता दें शनिवार से फिर बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया सिस्टम, तापमान में वृद्धि, मार्च में बढ़ेगी तेज गर्मी, जाने IMD का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। एक तरफ जहां सुबह और शाम हल्का सर्द मौसम है, तो वहीं दोपहर में तेज धूप गर्मी बढ़ा रही है। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज आदि जिलों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तो पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में आगरा, गोरखपुर, कानपुर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि सुबह शाम को सर्द हवाएं चलने से ठंड का भी एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा और सुबह के वक्त लखनऊ में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद में आज आसमान साफ रहने के आसार है और न्यूनतम तापमान में 15 डिग्री, अधिकतम तापमान में 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मेरठ में तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा में पूरे दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। तेज धूप होने से गर्मी का भी असर देखा जा सकता है। नोएडा में तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यूपी में मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है, हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं धुंध का भी असर देखने को मिल सकता है। मेरठ में हल्की ठंड का असर रहेगा और गाजियाबाद में भी मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा होगा। संभावना है कि इस बार मार्च महीने में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बार अधिक तापीस के चलते समय से पहले फसलें पक सकती हैं। IMD के मुताबिक आने वाले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्यम और पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। वहीं 25 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों के मौसम में बदलाव आएगा। मौसम और हवा के बनते नया पश्चिमी विक्षोभ से अगले 2 दिनों में पहाड़ों पर फिर बर्फ गिरने के आसार है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर कानपुर और आसपास के तापमान पर भी पड़ेगा, नमी आएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम और अपने जिले के मौसम काल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही मौसम की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए न्यू लाइफ टिप्स को। Thanks for watching.